उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीएसटीएफ ने दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों का नाम वकील पांडे और अमजद बताया जा रहा है। ये मुठभेड़ प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के अरैल में हुई। पुलिस ने मौके से 30 जिंदा कारतूस और 9 mm की पिस्टल, खोखा और मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के खास गुर्गे थे। ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, लेकिन इससे पहले कि ये शातिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते, यूपीएसटीएफ को इसकी जानकारी मिल गई। जानकारी के आधार पर नैनी अरैल इलाके में जब एसटीएफ की टीम ने सड़क से गुजरने वाले लोगों की जाँच पड़ताल शुरू की, तब इन दोनों ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि साल 2013 में वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दीन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के हुक्म पर अंजाम दिया गया था। मुख्तार अंसारी के हुक्म पर वकील पांडे और अमजद ने ही जेलर की हत्या की थी। मुठभेड़ में मारे गए वकील पांडे उर्फ राजू के सिर पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। अमजद उर्फ अंगद उर्फ पिंटू भी एक खुखार अपराधी था और उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक संगीन जुर्म थे, जिनको अब यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।